और ये हम दिखा रहे हैं गोदर आपको। हमने कल सिटी, हाँ कल रात से हम इधर पहुँचे हुए हैं। हमारे अबू हमें इधर ले आए हैं, पूरा हिंगोल नेशनल पार्क है और बलूचिस्तान हम पूरा देख के आए हैं। अभी इधर आप देखोगे ये पहाड़े बहुत बने हुए हैं, पहाड़ी से हम एक्चुअली एक पहाड़ के ऊपर हैं जो होटल में हमारे रहना है। एक्चुअली हम पीसी रिजोर्ट एरियाज में हैं, ये बहुत ज़्यादा हिल टॉप पर है। यहाँ से ये नीचे सारा शहर नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं जो क्रिकेट स्टेडियम बना है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह यहाँ मैचेस हुआ करेंगे, लोग देखने आएंगे। और ये नीचे क्वार्टर्स हैं इंजीनियर्स के जो यहाँ काम करते हैं, आप देख सकते हैं सामने। ये इजाज़ बताते हैं कि पहले ये हॉस्पिटल नहीं था, इनकम्प्लीट था, ले अभी उन्होंने बोला 8 माह पहले ये हॉस्पिटल ये बना है। और ये बहुत खूबसूरत पोर्ट एरिया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ मसला वही मनापनियों का है। शहर बहुत बड़ा है, जहाँ तक निगाह जाती है। मैंने इस तरह के बीचेस देखे थे ओरेगन में, इतने क्लीन इतने प्यारे। लेकिन जो चीज़ महद ने कल मुझे बताई कि मामा यहाँ के बीचेस थोड़े वाइल्ड क्या हैं। इधर मैंने देखा बहुत सन्नाटा है, लोग इधर बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि एक तो ज़्यादा आबादी नहीं है, फैमिलीज नहीं है वहाँ सर। और खजूरों से लबरेज ये दरख्त, ये हम तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, इसमें से कितनी तो नीचे गिरी हुई हैं, जानवर खा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा खजूरें बिल्कुल रेडी टू ईट हैं और ये भरी हुई हैं। ये अंदर रिजोर्ट एरिया में हम वॉक कर रहे हैं। पीसी का बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत ज़्यादा चूँकि हिलिंग पॉइंट में होने की वजह से फ़ायदा है। ये एजाज और दुखा करके गप कर रहे हैं, इतनी प्यारी हवाएँ चल रही हैं, गर्मी का नामो निशान नहीं है। धूप इतनी शिद्दत की है, स्टिल गर्मी का नामो निशान नहीं है। आपको पाकिस्तानी फ्लैग नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आर्मी की चौकी है और ये सिटी है। ये मैरिनिन ड्राइव अभी नई नहीं बनी, पिछले बार जाग पा रही थी कि नहीं है, अभी वो ओपन कर दिया, ऑपरेशनल कर दिया उन्होंने। काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। यहाँ के लोकल लोगों से जब मैंने बात किया तो वो थोड़े से बेचारे डिस्टर्ब हैं कि हालात नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेते। तो ये सब ने मिल के ये पीसी का रिजोर्ट, ये हम लोग इस वक्त आउटर साइड बिल्कुल हिल टॉप की तरफ हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड जो है बिल्डिंग का अहाता करते हैं, अंदर बाहर घूमते हैं। ये पोर्ट एरिया है। वो तो कहती हैं जी पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल वर्क कर रही थी पोर्ट, आजकल थोड़ी स्लो डाउन है, वही के हालात अभी थोड़े से मुमाफे हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत एरिया, ये शाम को उन्होंने बोला यहाँ बैठ सकते हैं, हमने बोला कि आप बाहर ना जाएं, आप जितना अंदर आपको मज़ा आता है लें डे में जाइएगा। अभी हमने नाश्ता फिनिश किया है और ये आप देख सकते हैं ये सिटी लाइन है, ठीक है। पीसी के पास इतनी ज़्यादा जगह है कि उन्होंने ये पूरा ऑक्यूपाइड किया हुआ है पहाड़ में। महाल पीछे पीछे रहे बेटा, ये देखिए ये है मैरिनिन ड्राइव। ये इजाज़त आते हैं पहले नहीं कंप्लीट थी, ये पूरी रोड आपको ऑल द वे उधर से जाके कनेक्ट करती है हाईवे के साथ। ये बड़ी खूबसूरत ड्राइव थी, ठंडी हवाएं थी, विंड बहुत तेज़ था रात को। हम लोग चूँकि 9:15 बजे एंटर हुए थे तो जो चौकी पे हमें टाइम लग गया था रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन करवा, तो हम बाहर नहीं गए थे और मैंने वापस समझा था। एनी हाउ ये आपको मैं सिटी लाइन दिखा रही हूँ, सारी रिहायशी इलाके हैं, बाजार है। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोगों ने अलग कॉन्सेप्ट बनाया, बड़े इनोसेंट से हैं। ये आर्मी की गाड़ी आ रही है, ये कोई बंदा जा रहा है ऑफिशियली उसको हेल्प कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो फौज को प्लीज़ बुरा भला मत कहा करें, मैंने इनको धूपों में चलते हैं, इनको चौकियों पे खड़े होकर आप लोगों की हिफाजत करके देखे हैं। ऊपर नीचे सबके साथ हो जाता है, वो मजबूर होते हैं। प्लीज़ इनकी कदर करें, इनके सर पे खड़ा है आपका मुल्क। बाकी तो आपके मुल्क में क्या है, बल्कि आपका क्या, मेरा मुल्क वहाँ क्या है हमें पता ही है। तो इनकी प्लीज़ कदर किया करें, उनसे लाना ना करें, ये ड्यूटी करेंगे, ये वही करते हैं जो हमारे मफाद में होता है।
सबसे पहले ऑनलाइन जाओगे नहीं इसका रैकेट इसका रैकेट गंदा है आप मार कर जाएंगे वैसे आप दोनों का रैकेट ही गंदा है हमारा तो वो दुबई के शेख वाला हाल है शेख साहब आ गए खाली करा लो ये देखे नाजीन इलाका बहुत खूबसूरत है जिन्ना बाहर जिन्ना उस दूर अंदर सिंघार हाउसिंग अथॉरिटी का पार्क है बच्चों का ब्यूटीफुल एरिया है शटो वाली हवाएं चल रही हैं महज इतना खौफजुदा था कहते मैंने शुरुआत में पहले बाहर कैसे निकलूं वाइट बीच है खूबसूरत बीच है नाजीन वाइट बीच खूबसूरत बीच ये देखें हम गाड़ी से नहीं निकल रहे थे जैसा जबरदस्ती निकाल के लाए हैं हम कहते हैं इसके ऊपर जाएं और ऊपर से व्यू करें लेकिन सड़िए का है देख लें सर जैसे आपको मुनासिब लगता है तो नाजीन यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है मुश्किल में जान महज यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है मुश्किल में जान तो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर इसके लखारी डायलॉग लगा उसी की गन से दूर दूर को तारीफ कर रहे हैं तो ये फिल्म का नाम है मुश्किल में जान के सेट पर आप मौजूद हैं नाजीन ये देखें महान ने कहा कि वो ऊपर जाना अनकंफर्टेबल फील करते हैं वरना मैं तो शायद चांस ले ही लेती हूँ ऊपर से जाके समंदर भी यहाँ से दूर ही नज़र आना है जो ऊपर से नज़र आना है बट लोगों का आपको पता ही है नहीं इसने क्या आपकी मर्जी है अभी थोड़ा सा मेंटेन नहीं है तो महज जब सुन लेना बस तो उसके तो वैसे ही निकल जाते बेचारे कहता मामा मुझे गाड़ी से बाहर ना निकालो शलवार कमीज में मुश्किल में जान के हीरो अभी ओके
चलो हम गाड़ी में बैठे है ना। हाँ, देखे मुश्किल के जान के हीरो महज ये दादा अबू मुश्किल ये महज आई मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मुश्किल में जान जान की टीम से ये है दुहा ये है महज इजाज और इस फिल्म के जो बैक प्ले जितने भी काम हो रहे हैं वो मैं कर रही हूँ नासिम जो पर्दे के पीछे जो छुप छुप के चिड़के खा खा के रात पे जासा गुस्से में आ गए